एक्टिव स्कूटर चलता है, ठीक है, एक्टिव स्कूटर आप किसका डलवा रहे हैं? एक्टिवा है, हीरो है, गियरलेस गाड़ी, गियरलेस गाड़ी। यहाँ पे जो गियरलेस गाड़ियाँ हैं, आप सिटी के अंदर में बैठे हैं, तो गियरलेस गाड़ियाँ आपके पास में क्या लेडीज लेकर के आती हैं या जेंट्स लेकर खुद आते हैं? 80% जेंट्स आते हैं, 20% लेडीज आते हैं। 20% लेडीज आती हैं, तो 20% लेडीज़ में क्या जो गाड़ियाँ लेके आती हैं तो वो क्या यही गाड़ियाँ छोड़ के चले जाती हैं या कुछ क्वेश्चनिंग करती हैं कि ऑयल ये होना चाहिए, ऐसा चाहिए, ये सर्विस में करना है? ज़्यादातर क्या होता है, छोड़ के ज़्यादा चले जाते हैं, जो ऑयल के लिए लोग भी बात करते हैं, ऑयल के लिए जो भी बात करते हैं तो उसको हम सब समझाते हैं, क्योंकि स्कूटर जो ऑयल की कंपनी है, जो स्कूटर है, जो गियरलेस गाड़ी को स्कूटर है, तो उसके लिए एक्चुअली स्कूटर है स्पेशल ऑयल, इस तरह से उसको कन्विंस करके हम ऑयल आते। तो आप कन्विंस करते हो उनको? हाँ, गियरलेस उसमें मतलब उनको कोई संकोच नहीं है खाने के लिए, तो ऐसा है। यहाँ पर किस टाइप का मार्केट है, कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूट है या फिर कॉलेज है या फिर कोई सोसाइटी है जिसमें से लोग आते हैं? ज़्यादातर सोसाइटी के लोग। मतलब हाउस वाइफ जैसे वो अलग थी, जैसे अपने बच्चे को कोई छोड़ने जाता है, लेने जाता है, रखने जाता है, पर वो लोग वही लोग ज़्यादातर। उसका माइंड सेट ऐसा नहीं होता कि आपने मेरा बिल 1000 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मेरे को सस्ता ऑयल चाहिए, या मेरा बिल 800 रुपये से ऊपर नहीं जाना चाहिए, मतलब कोई कंसेप्ट नहीं है कि अभी अभी का मार्केट क्या हो गया है कि बिलिंग कोई नहीं देखता, गाड़ी अच्छा हो। उन बार्गेन करते हैं? वो बार्गेनिंग करते हैं आपसे? नहीं, कोई अगर गाड़ी छोड़ के जाते हैं और गाड़ी सही होने का उसके बाद जब सर्विस कराने के लिए अगर आती है तो क्या वो लोग यहाँ पे पूरे टाइम खड़ी रहती हैं या फिर चली जाती है छोड़ के? हम लोग टाइमिंग भी ज़्यादा रहता है ना, छोड़ने का बोले 10-11 बजे और शाम को 6-6 बजे का उसको रिटर्न उसको टाइम। बट कोई भी ऐसा नहीं होता कि खड़े होकर के सर्विस कराए, ऐसा कोई नहीं? वो लोग तो उनको बहुत रिक्वेस्ट करता है लेकिन हम लोग नहीं करते, क्योंकि सर्विस के लिए क्या है, जो जितना टाइमिंग चाहिए सर्विस के गाड़ी को, वही लोग कैसा ही बोलते हैं कि अभी कंपनी में है जो बैठो आप सर्विस कर रहे हो, कंपनी में देखिए मेंटली ऐसा ही हो गया कि वॉश करके गाड़ी पा रहा है, चेंज बैक हो गया लेकिन हम लोग उसका पूरा सिस्टम बता रहे कभी हम लोग सर्विस में क्या क्या करेंगे, पूरा उसको लिस्ट बना दें, लिस्ट का हिसाब से वो देख लीजिएगा, अभी इसके लिए तो टाइम लगेगा तो छोड़ेंगे आपसी। हाँ, पर ये बात तो जेंट्स के लिए भी लागू है ना? सेम सेम, तो कोई इधर रुकता नहीं? नहीं नहीं रुकता नहीं, जैसे वैसे हम लोग भी क्या है कि जैसे काफ़ी दूर से भी आए और यहाँ से करीबन मेरे कस्टमर कांकरिया से भी आते हैं, सदर से भी आते हैं, तो उन लोग को वो स्पेशल है हमारे कस्टमर, तो उसको बिठा देते हैं, दोनों बिठाते हैं, फिर हम लोग 2-3 आदमी एक ही गाड़ी के पीछे लगते हैं। बट जब वो शाम को आती है तो उसके हस्बैंड आते हैं, पूरी गाड़ी ना पूरी पूरी पर ये हुआ सिर्फ 20% ना? 20% और एक दिन में कितने गाड़ियाँ आती हैं, स्कूटर्स कितने आते हैं? स्कूटर्स में एक दिन में 3-4 स्कूटर, मतलब गियरलेस का। हाँ, रेगुलरली टोटल सर्विस की 10 गाड़ी तो सर्विस प्लस कोई छोटा मोटा रिपेयरिंग है, कोई मेजर काम में है, वो सब अलग। तो जो स्कूटर आते हैं आपके पास में उसमें क्या कितने परसेंट कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे 4 स्कूटर आए तो आप 4 स्कूटर वालों को एक्टिव स्कूटर ही देते हो या एक्टिव भी देते हो? एक्टिव स्कूटर ही देते हो? एक्टिव स्कूटर ही। इसका लॉजिक क्या देते हो, क्या समझाते हो, क्यों एक्टिव स्कूटर एक्टिव से बेहतर है? जैसे इसके अंदर आप पूरे डिटेल में, जैसे कोई भी लेडीज आती है ना उसको पूरा डिटेल तो नहीं समझा पाते, बताओ तो जेंट्स को भी जो बताते हैं, तो जेंट्स को भी वही बताते हैं कि इसके अंदर जो जैसे कोई भी 20W30 आता है, 15W30 आता है, इसका जो ऑयल का जो ग्रेड है, तो ये स्कूटर के जो ग्रेड है वो इसके लिए स्पेशल बनाया हुआ, वो उसको इस तरह से समझा। ओके, और कुछ नहीं बताते उसको? नहीं, ज़्यादातर वो लोग पैसे ज़्यादा खड़े नहीं होते, बस आप सही हो, आपको सही लगता है आप डालते। आप उसको एक अच्छी छोटी सी चीज़ बता सकेंगे तो अच्छा रहेगा कि आपका मोटरसाइकिल का इंजन कहाँ होता है? खुला होता है बस। और दूसरी चीज़ भी हम लोग उसको क्या बता देते हैं, जैसे मोटरसाइकिल वाला जो कोई जेंट्स आ जाता है, स्कूटर वाला भी है, उसके बाद जो है उसके घर में कोई लेडीज है जिसके पास स्कूटर भी, तो वो लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भाई ये ऑयल और ये ऑयल में डिफरेंस क्या है, तो हम लोगों ने सिंपली उसको ये सिंपली क्या बोलते हैं कि देखो आपने पहले जो स्कूटर चलाया हुआ था जैसे बजाज का स्कूटर, तो उसके अंदर एक पंखा देते हैं,
है, बाइक का पंखा नहीं। और यह स्कूटर है, हर स्कूटर में पंखा होगा गियरलेस, और बाइक में नहीं आता। पहला डिफरेंस तो यही बताता है, तो इसको ठंडा इंजन ही रखता है, और इसकी ये गाड़ी चलने के बाद अपने आप ठंडा हो गया। पर ये चीज तो आपको मालूम है ना, वो मैं कस्टमर को बताता हूँ, बताता है और उसको सुनने का पेशेंस रहता है। हम लोग तो स्पेशली क्यों बताते हैं, जैसे देखो ये कस्टमर है, इसने देखो नीचे प्लेट लगाया हुआ है, वो भी नहीं लगाना चाहिए था। तो उसको हम निकलवा देते हैं, तो स्पेशल अभी इसको अभी उसको टेक्निकली उसको समझाते। तो बेसिकली आपका पॉइंट सही है, आप जो बोलते हो अच्छा है कि आप प्लेट भी निकलवा देते हो कि उसे हीट ना पड़े इंजन पे। हाँ, हीट ओनली थिंग इज दैट कि इसके अंदर में स्कूटर टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उससे क्या होता है कि इसका स्कूटर का इंजन जो है वो अंदर की तरफ होता है, बाइक का इंजन बाहर होता है। बाइक के इंजन में बाहर से ऑटोमेटिक एयर गेन करता है, स्कूटर का इंजन प्रोटेक्टेड होता है चारों तरफ से। इसमें इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली हीट को प्रोटेक्शन करने के लिए काम आती है, एडवांस हीट प्रोटेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए गियरलेस स्कूटर के लिए हमने स्कूटर निकाला है। इसमें ये मत सोचिए कि एक्टिव और एक्टिव स्कूटर एक ही है। जब अभी हम कस्टमर को एक्टिव स्कूटर देते हैं, अगर वो कोई प्राइस के ऊपर क्वेश्चन करते तो हम उसको लॉजिक दो, बाइक का इंजन बाहर है और स्कूटर का इंजन अंदर है, उसमें हीट जनरेट ना हो ऐसा एडिटिव इसमें मिक्स किया हुआ है, इंपॉर्टेंट। वो अगर यूज करेगा तो उसको एडवांस टेक्नोलॉजी मिलेगी। ये आप सिंपल एक लॉजिक दो उसको, मेरे हिसाब से खुश रहेगा।